नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागोर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस। और चूंकि 4 दिन का बीच में गैप रहा, उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा कि कमेंट्स बॉक्स थोड़ा सा, कैसे हैं दोस्तों आप लोग बताइए। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं दोस्तों, कैसे हैं आप लोग जरा आप कमेंट करके बताइए आप लोग। टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा थोड़ा सा कमेंट्स बॉक्स को जरा लाइट कीजिए ताकि नजर आए मुझे सब दोस्तों के कमेंट्स। शुरू से दिखाइएगा सब लोगों के कमेंट्स। सुमन शर्मा जी, दिनेश प्रजापति जी, रिंकू गुर्जर जी नमस्कार आपको, राहुल बोकोलिया जी नमस्कार, राजेश कुमार नमस्कार, मनोज कुमावत जी, मोहन यादव जी, अंकित लबाना जी, भीमाराम बीला जी, राजेश कुमार। मैं ठीक हूं दोस्तों, आप बताइए आप कैसे हैं। अगर आप लोग ठीक है तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। और दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे बिल्कुल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे अपन, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और इस भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के सेगमेंट में अपन क्वेश्चन सेशन लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूं। अब तक आपने बहुत सारी बुक्स के माध्यम से इंडियन पॉलिटी को पढ़ा, बहुत सारे टीचर्स से आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी पढ़ा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर डेली लाइव क्लास क्यों नहीं हो रही है आपकी। दोस्तों फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी लॉकडाउन का टर्म है, लॉकडाउन चल रहा है अभी, और इस वजह से 3 डेज का सेगमेंट अभी मैंने रखा है। और मैं तो कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट फ्यू डेज में अपन डेली मैं आप लोगों के बीच लाइव आऊं और डिस्कशंस करूं। अजय जी नमस्कार आपको, अमित गौर जी, टेक्निकल टीम थोड़ा सा कमेंट्स को जरा लाइट कीजिए ताकि सब लोगों के कमेंट्स मुझे नजर आ पाएं। थैंक यू सो मच एबी क्लासेज, अमित गौर, रिंकू गुर्जर, सुमन तांडी, महेंद्र सैनी जी, आशीष गोदारा, रिंकू गुर्जर, हाँ सब लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल डेली क्लास होनी चाहिए। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं और कि अभी नेक्स्ट वीक से शायद अपन मैं डेली आप लोगों के बीच लाइव आ पाऊं। हाँ गुड इवनिंग, नमस्कार सबको, दादा ठाकुर सबको नमस्कार। टॉपिक पे आता हूं दोस्तों, मैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन सेशन से। मुकेश वर्मा जी नमस्कार आपको भी, क्वेश्चन सेशन से अपन स्टार्ट करेंगे। मैं चर्चा कर रहा था कि बहुत सारे इंडिविजुअल बुक्स से आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई सारे फैकल्टीज से आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं एक टेस्ट आप लोगों का हो जाता है दोस्तों। इस बहाने टेस्ट आप लोगों का हो जाता है क्वेश्चन सेगमेंट में कि जो प्रिपरेशन आपने अब तक की है वो वाकई में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से फुलफिल है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों आज का जो कॉम्पिटिशन का दौर है वो कहीं ना कहीं आप लोगों से ये रिक्वायर करता है कि जो आपके नॉलेज का जो लेवल है वो बिल्कुल डेप्थ में होना चाहिए, सरफेसियल नॉलेज से काम नहीं चलने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन सेशन अपन रखेंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज रखेंगे, और चूंकि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आज जो अपना क्वेश्चन सेशन रहने वाला है वो है भारत का संवैधानिक विकास से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अपन स्टार्ट करें। जो पहला टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि किन परिस्थितियों में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है इस भारतीय संविधान की, इससे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, प्लस इन फ्यूचर कंडक्ट होने वाली यूपीएससी की, आरपीएससी की, राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड की तमाम एग्जाम्स में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है वो सारी बातें दोस्तों मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं। संजना सैनी जी नमस्कार आपको, निशा चौधरी जी, अंजना चौधरी जी, सब लोगों को नमस्कार मेरा, और उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों।
कैसा कटा आपका लॉकडाउन का टाइम? और उम्मीद करता हूं कि इंडियन पॉलिटी क्लासेज आप लोग बेहद एंजॉय कर रहे होंगे। अंजलि दादी जी पूछ रहे हैं कि सर मैम की क्लास होती थी। हाँ अंजलि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 3 डेज का सेगमेंट रहेगा ये। 3 डेज शालू धवन मैम की क्लासेज रहेंगी और 3 डेज मेरा रहेगा इसमें। उम्मीद करता हूं कि कंटिन्यू अपन करें। हाँ सही कह रहे हैं माया दादा जी, गुड इवनिंग आपको भी। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में किस प्रकार के क्वेश्चंस अब तक बने हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन इन द फ्यूचर बन सकते हैं, उन तमाम क्वेश्चंस को लेकर दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूं आपके साथ में। पहला क्वेश्चन लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल सही जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों मेरा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप लोग, भारतीय संविधान का विधिवत रूप से अध्ययन माना जाता है। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात और दोस्तों आप लोगों से करना चाहूंगा मैं, एक महत्वपूर्ण बात और करना चाहूंगा मैं आप लोगों के साथ, और वो डिस्कशन ये रहेगा कि ये जो क्वेश्चन सेगमेंट रहेगा उसमें क्वेश्चन 3 अप्रोच के रहेंगे। क्वेश्चन 3 अप्रोच के रहने वाले हैं उसमें। पहले प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे दोस्तों, जो अगर थोड़ा बहुत भी इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में डिस्कस किया है उसने, थोड़ा बहुत इंडियन पॉलिटी उसने पढ़ी है, तो वो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मेरे, वो इस प्रकार के रहेंगे कि अगर डेप्थ में जाकर के किसी ने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है तो ही वो इन क्वेश्चंस के जवाब दे पाएंगे। कुछ दोस्तों के जवाब आना शुरू भी हो चुके हैं, देख पा रहा हूं आप लोगों के कॉमेंट बॉक्स में। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के रहने वाले हैं जिन्होंने डेप्थ में भी पढ़ा है, एनालिटिकल अप्रोच में भी उन्होंने पढ़ा है, और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप के। और अक्सर अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे होंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को इस बात का पता है कि 3 टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, नॉर्मल, टिपिकल और एक्स्ट्रा टिपिकल। एक्स्ट्रा टिपिकल क्वेश्चन वही लोग कर पाते हैं जिनके कंसेप्ट्स और फैक्ट्स बहुत अच्छे से तैयार होते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि जो लाइव सेशन आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटिक्स से रेलेवेंट, वो बहुत यूजफुल रहने वाला है दोस्तों आप लोगों के लिए। और बहुत सारे दोस्तों ने बिल्कुल सही जवाब दिए, और बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही जवाब दिए। अजय जी, राहुल बोकोलिया, माया दादाई, मोहन यादव, मुकेश वर्मा, सुमन शर्मा जी, बेस्ट टॉपिक। कुछ लोग गलत भी जवाब दे रहे बीच में दोस्तों, बाकी ऑन एवरेज 99% लोगों ने सही जवाब दिया। इस संदर्भ में क्वेश्चन है दोस्तों मेरा, भारतीय संविधान का विधिवत रूप से अध्ययन माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 प्राचीन काल से, ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटिश काल से, ऑप्शन नंबर 3 मध्यकाल से, और ऑप्शन नंबर 4 आधुनिक काल से। सब लोगों ने सही जवाब दिया दोस्तों इस संदर्भ में, ब्रिटिश काल से। ब्रिटिश काल से जब अपन ने इस संदर्भ में डिस्कशन करेंगे। पूनम चौधरी जी नमस्कार आपको। जब लाइव क्लासेज मैं आपको टॉपिक वाइज स्टार्ट करूंगा दोस्तों, उस वक्त इस संदर्भ में मैं बताने वाला हूं आपको कि प्राचीन काल में भी सभा और समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में प्रमुख ग्रंथ जिनमें अपन कौटिल्य के अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, वेदव्यास का महाभारत पढ़ते हैं, पाणिनि का अष्टाध्यायी पढ़ते हैं, वहां पर भी इस प्रकार के कुछ संकेत हमें देखने को मिलते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं संविधान जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, सभा और समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि अशोक के शिलालेखों में भी कहीं ना कहीं हमें इस बात की जानकारी मिलती है। चीन से आए हुए 2 यात्री फायान और युआन च्युआंग, जिन्होंने अपनी पुस्तकों में इस बात का उल्लेख किया, वहां पर भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। लेकिन विधिवत रूप से जो अध्ययन है दोस्तों वो ब्रिटिश काल से मिलता है हमें, वो ब्रिटिश काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोगों ने बेहतरीन जवाब दिए हैं बिल्कुल। नीलम कुमारी जी, सुमन तांडी, रुपेंद्र सिंह डागुर, गुड इवनिंग आपको, नमस्कार। अजय जी नमस्कार, गुर्जर बोए सबको नमस्कार, स्नेहा चौधरी गुड इवनिंग जी। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों मेरा, किस ब्रिटिश महारानी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया, चार्टर प्रदान किया। वापस से देखिए दोस्तों क्वेश्चन, किस ब्रिटिश महारानी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया गया।
और दोस्तों ने सही जवाब देने स्टार्ट कर दिए हैं। दिनेश प्रजापति जी सी बता रहे हैं, एबी क्लासेज भारती सी बता रहे हैं, मनोमून सी बता रहे हैं, सुमन तांडी ए बता रहे हैं, संजना सैनी सी, मनोज कुमार कुमावत सी, मोहन यादव ए, मुकेश वर्मा वी, कबीर थ्री डी नमस्कार आपको, आशीष गोदारा जी, भीमाराम लक्ष्मण, राहुल बोकोलिया, अमित गौर, राजेश कुमार, सुमन तांडी, सुमन शर्मा, हर्षिता टेलर, रिंकू गुर्जर। अक्सर ऑफलाइन क्लासेज में दोस्तों जो एक एनालिसिस मेरा रहता है उसी संदर्भ में यहां भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, लेकिन यहां पे परफॉर्मेंस बहुत बेटर है आप लोगों की। यहां पर 92-95% लोग बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हैं, 5% लोग हैं वो या तो जल्दबाजी कर रहे हैं और या फिर उनके कंसेप्ट कुछ क्लियर नहीं है। अजय जी सब लोग सही जवाब दे रहे हैं बिल्कुल। महेंद्र सैनी दोस्तों पहला ऑप्शन है विक्टोरिया, दूसरा है एंजेलिना, तीसरा है एलिजाबेथ और चौथा है विक्टोरिया 2। तो आप में से लगभग लोगों ने सही जवाब दिया है एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर प्रदान किया गया। प्रतीक दाबाई जी ए आंसर बोल रहे हैं। विक्टोरिया के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों अपन जब 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, वहां पर बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले किस नाम से जाना जाता था, फटाफट जवाब दीजिए, पहले कौन? देखते हैं पहले कौन जवाब देता। दादा ठाकुर, और बाकी लोग फटाफट बताइए दोस्तों फटाफट, लेकिन फटाफट बताने का मतलब यह नहीं है, फटाफट बताने का मतलब यह नहीं है कि आप लोग गलत जवाब दें। यह बात पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं, एबी क्लास भारती जी सी, कबीर थ्री डी सी, राहुल बोकोलिया सी, मनोज कुमावत सी, उत्तम कुमार सी, आशीष गोदारा, मनु मून, संजना सैनी। दोस्तों बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं आप लोग, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं बिल्कुल। मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स नाम से जाना जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले। आगे इससे रिलेवेंट और बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। शिषपाल चौधरी जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मोहन यादव सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, सुमन शर्मा जी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति कब मिली? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत सही जवाब दे रहे हैं अंकित जैन, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति कब मिली? ऑप्शन नंबर एक 1908 ईस्वी, ऑप्शन नंबर दो 1808 ईस्वी, ऑप्शन सी 1615 ईस्वी और ऑप्शन डी 1815 ईस्वी। जल्दी कीजिए दोस्तों। रघुवीर सर थैंक यू सो मच। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति कब मिली? दोस्तों क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, उसके बाद चारों ऑप्शंस को सही तरीके से देख के उसके बाद में रिजल्ट पे आना है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, उससे पहले आप लोग जवाब देना स्टार्ट कर दें, और सब लोग सही जवाब दे रहे हैं वाकई में। मनोज कुमार कुमावत जी सुधार कीजिए थोड़ा सा, रिंकू गुर्जर जी, उत्तम कुमार सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सब लोग, बहुत बेहतरीन है दोस्तों। जब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं दोस्तों, उससे पहले की कहानी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जब महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी, तो 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में कौन आता है जहांगीर के दरबार में? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आते हैं, लेकिन कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा व्यापार की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है, और 1615 ईस्वी में
फिर सर टॉमस रो आते हैं जहांगीर के दरबार में और फाइनली फिर जहांगीर के द्वारा सर टॉमस रो को व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। अंकित जैन 1608 लिख रहे हैं, दोस्तों 1608 में गए थे लेकिन अनुमति फाइनली नहीं मिली उन्हें। अनुमति कब मिली? 1615 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बेहतर जवाब दे रहे हैं आप लोग और उम्मीद करता हूं कि रघुवीर सिंह डागुर सर के द्वारा जी एक प्रयास आप लोगों के हितार्थ किया गया था डागुर चैनल के YouTube चैनल के माध्यम से, वो सही साबित हो रहा है कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में। कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर प्रदान किया गया। महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर प्रदान किया गया। ऑप्शन ए 30 दिसंबर 1600 ईस्वी, ऑप्शन बी 28 दिसंबर 1600 ईस्वी, ऑप्शन तीन 30 दिसंबर 1599 और ऑप्शन चार 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। उतने आसान नहीं रहने वाला है दोस्तों, फिर कह देता हूं मैं आप लोगों को, पहले केवल 1600 तक जाते थे आप लोग तो काम चल जाता था, अब यहां से काम नहीं चलने वाला, आपको मंथ भी याद रखने पड़ेंगे। देखिए यहां पर सब में दिसंबर आ रहा है, यहां भी 1600 भी तीन में आ रहा है, तो एग्जैक्ट डेट आप लोगों को अगर ध्यान में होगी तो उसी कंडीशन में आप क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। और सब लोग बहुत बेहतर जवाब दे रहे हैं, प्रियंका फौजदार, कबीर 3D, राहुल बोकोलिया, सुमन शर्मा, अजय, हिमांशु कुमावत, हर्षिता टेलर, रीता चौरसिया, सब लोग बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं दोस्तों। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर प्रदान किया गया, अधिकार पत्र प्रदान किया गया। हाँ उत्तम कुमार जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आरंभ माना जाता है, भारतीय संविधान का आरंभ माना जाता है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भरत शर्मा जी हेलो नमस्कार, अंजलि दादीज ऑप्शन डी पिछले वाले क्वेश्चन का बता रहे हो, इसका बता रहे हो दोस्तों? क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, भारतीय संविधान का आरंभ माना जाता है और आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप लोग, ताकि फटाफट आप लोगों के क्वेश्चंस तैयार होते रहें। दिनेश प्रजापति जी ए ए, माया धाबाई, राहुल बुकोलिया, आशीष गोदारा, प्रियंका फौजदार, मनु मोहन, मनोज कुमावत, संजना सैनी, मुकेश वर्मा, दिनेश मकावा, सब लोग बिल्कुल बेहतर जवाब दे रहे हैं। अरे इंडियन पॉलिटिक्स रट के बैठे हो गए यार आप लोग, बिल्कुल इसी प्रकार का आप लोगों का कमिटमेंट होना चाहिए। अगर हर सब्जेक्ट के प्रति आप लोगों का इस प्रकार का डेडिकेशन अगर रहता है तो फिर तो आईएएस फाइट करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। पटवार पुलिस की बात नहीं कर रहा दोस्तों, फिर आप आईएएस फाइट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, यूपीएससी फाइट करने जा रहे हो आप लोग। लेकिन अभी क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बेसिक रखा है मैंने, आगे चलते जाइए अभी पता लगता रहेगा आप लोगों के प्रिपरेशन का। ओके अंजलि जी बिल्कुल थैंक यू, अजय जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों, पहले भी मैंने चर्चा की, वापस से रिपीट करना चाह रहा हूं कि अपन प्राचीन काल में भी इस संदर्भ में कुछ अध्ययन करते हैं, मध्यकाल में भी पढ़ते हैं, लेकिन विधिवत रूप से भारतीय संविधान का जो अध्ययन है वो ब्रिटिश काल से माना जाता है। और ब्रिटिश काल में जब 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जीत लिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और 1764 ईस्वी में 1764 में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हेक्टर मुंडरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जीत लिया जाता है, तो उस कंडीशन में उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हिंदुस्तान में लंबे समय तक शासन करना है तो कुछ बेसिक नियम कानून कायदे हमें जरूर बनाने पड़ेंगे। दोस्तों एक बेसिक एग्जाम्पल अक्सर मैं ऑफलाइन क्लासेज में भी देता हूं कि अगर 5 लोगों का परिवार है
उस परिवार को भी अगर सही ढंग से रेगुलेट करना है, सही ढंग से अगर मैनेज करना है, तो कुछ नियम कानून कायदे बनाने पड़ेंगे। तो यहां तो इतने लोगों की बात हो रही है दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि संविधान वह महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें एक पर्टिकुलर राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण कानूनों का उल्लेख किया जाता है, वही संविधान है दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं अपन इस संदर्भ में। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आशीष गोदारा जी कह रहे हैं कि यस सर आपसे ही सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू कबीर थ्री डी जी, आपको भी थैंक यू सो मच। आशीष गोदारा जी कह रहे हैं यस सर ड्रीम इज आईएएस, विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, लगे रहिए आप लोग, बिल्कुल एक ना एक दिन जरूर आप लोग आरपीएससी फाइट करोगे, यूपीएससी फाइट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करनी है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना, उसके ऑप्शन सारे देखने, उसके बाद में डिसीजन करना है। थैंक यू सो मच रिंकू गुर्जर जी, राहुल बोकलिया जी, थैंक यू सो मच आपका। क्वेश्चन पे आइए दोस्तों आप लोग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ऑप्शन एक लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन दो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन तीन रॉबर्ट क्लाइव और ऑप्शन चार वॉरेन हेस्टिंग्स। अमित गौर ऑप्शन बी बता रहे हैं, दिनेश प्रजापति ऑप्शन डी बता रहे हैं, मैक्सिमम लोग सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, और अक्सर ये क्वेश्चन है भी दोस्तों कंफ्यूज करने वाला, क्योंकि गवर्नर जनरल से लगभग 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अब वो 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जा सकता है आप लोगों से, आप लोगों से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा सकता है, आपसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा सकता है, आपका भारत का प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल, तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन दोस्तों यहां से बनते हैं गवर्नर जनरल से। तो मेरा यहां पर क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स। और मोस्ट ऑफ लोगों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात आगे करेंगे अपन, लॉर्ड कैनिंग के बारे में आगे क्वेश्चन आने वाला है, रॉबर्ट क्लाइव की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे, यहां पर पूछा है मैंने बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है दोस्तों मैंने आपसे। आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि इनिशियल स्टेज में बंबई, मद्रास और बंगाल 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे इनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, तथा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उस वक्त बंगाल के गवर्नर थे दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। उम्मीद करता हूं सब लोगों को बिल्कुल सही कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट, 1774 ईस्वी में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मैं आगे चर्चा करूंगा आशीष गोदारा जी, वो बोल रहे हैं गवर्नर जनरल के कंसेप्ट सारे क्लियर कीजिए, आगे बात करूंगा मैं इस संदर्भ में। 1774 ईस्वी में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। पहला ऑप्शन है सर विलियम पिट, सर क्लाइव लॉयड, सर एलिजा एम्पे और सर लिमिंस्टर। आप सब लोगों के जवाब में कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूं, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। अमित गौर, मनु मूंड सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। दिनेश प्रजापति, अजय, प्रियंका फौजदार, माया दवाई, सुमन गिला, प्रियंका फौजदार, मनोज कुमावत, संजना सैनी, जितेंद्र मीना, सुमन तांडी, लक्ष्मण फिरोदा, निशु मीना,
अजय लवली डियर, कबीर 3D, महेश शेनी, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं आप लोग। सर एलिजा इम्पे, दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 1773 ईस्वी की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। अभी वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है उससे अलग था दोस्तों, ये कलकत्ता में जो 4 सदस्यीय था, 1+3 का कंसेप्ट था, जिस प्रकार से अभी वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की मैं बात करूं तो यहां पर कंसेप्ट है 1+33 का, उस वक्त कंसेप्ट हुआ करता था 1+3 का, एक मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश है, जैसा कि अभी वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं उसी प्रकार से। तो मुख्य न्यायाधीश दोस्तों सर एलिजा इम्पे को बनाया गया और 3 अन्य न्यायाधीश, हाँ भरत शर्मा जी कह रहे हैं सर सबसे पहले मैंने जवाब दिया, थैंक यू सो मच भरत शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अरे बड़ा अच्छा लगता आप लोग इतने एक्साइटमेंट, इतनी एनर्जी के साथ और इतने कॉन्फिडेंट होकर जवाब देते हैं। 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, अगर 3 अन्य न्यायाधीशों के संदर्भ में मैं बात करूं तो हो सकता है आगे इस प्रकार कोई क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक संस्था का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक संस्था का गठन किया गया। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, दूसरा 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर 3 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, और ऑप्शन 4 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ राहुल बोकले जी सही जवाब दे रहे हैं आप, लिमिंस्टर, हाइड और चैंबर्स, 3 अन्य न्यायाधीश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। फटाफट अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक संस्था गठन किया गया, कौन से अधिनियम की विशेषता है ये? और बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं सब लोग। दादा ठाकुर गलत जवाब दे रहे हो आप, भीमाराम गीला, अंजलि दादीच, मनोज कुमावत, माया दाबाई, कबीर 3D, अंकित गोदारा जी गलत जवाब दे रहे हैं, अंकित गोदारा जी आप लोग, आशीष गोदारा जी गलत जवाब दे रहे हैं आप, गौरव राजपूत। दोस्तों 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत तो आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक संस्था गठन किया गया था। डिफरेंस समझिए आप लोग, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। अरे जब 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो वहां पर आप लोगों को बताया जाता है कि इस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक संस्था गठन किया गया। इसके ठीक अगला जो अधिनियम आता है वो आता है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, और इस 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक संस्था गठन किया जाता है और फिर गवर्नर जनरल के कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है। अभी भी कुछ लोग 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम बता रहे हैं, इसका सही जवाब होगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निर्देशक मंडल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल के प्रशासनिक व वाणिज्य कार्यों को अलग अलग किया गया, बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन था उसी से कोरिलेट क्वेश्चन है दोस्तों, और अब तक के जो क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई विशिष्ट महाभारत इन क्वेश्चन में नहीं है दोस्तों। गवर्नर जनरल के प्रशासनिक व वाणिज्य कार्य को अलग अलग किया गया, ऑप्शन नंबर 1 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर 2 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर 3 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, और ऑप्शन 4 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अंकित लवाना, शिषपाल चौधरी, हाँ भरत शर्मा जी सही है आपका, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। आशीष गोदारा जी फिर गलत जवाब दे रहे हैं आप, जितेंद्र मीना जी, मनोमोहन, उत्तम कुमार, भीमाराम जी, लक्ष्मण फिरोजा, अंकित लबाना, आशीष गोदारा जी थोड़ा सा करेक्ट कीजिए,
नरेंद्र शुक्ला जी, सुमन तांडे, और कुछ लोगों को लग रहा हो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सर। दोस्तों अभी इनिशियल स्टेज में कुछ बेसिक क्वेश्चन है, सुमन गिला बी जवाब दे रहे हैं इसका। दोस्तों इस संदर्भ में बताना चाहूंगा मैं, ऑप्शन ए इसके संदर्भ में सही है, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने चर्चा की कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक संस्था गठन किया गया, और 1784 ईस्वी की पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक संस्था गठन किया गया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा वाणिज्य कार्यों को नियंत्रित किया गया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित किया गया। तो ये कौन से अधिनियम की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया से संबंधित अधिनियम है। हां प्रेम सिंह जी सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, हर्षिता टेलर जी सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल प्रेम सिंह जी, गौरव ठाकुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया से संबंधित अधिनियम है। ऑप्शन ए, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन बी, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ऑप्शन तीन, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। और ऑप्शन चार, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। उत्तम कुमार जी, दिनेश प्रजापत जी, राहुल बोकोलिया, दिनेश मकवाना, कबीर त्रिडी, प्रेम सिंह जी, आशीष गोदारा, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट सही लोग, ऑलमोस्ट सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। शिषपाल चौधरी जी करेक्ट कीजिए थोड़ा सा, अंजलि धादीज बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, नरेंद्र शुक्ला जी, जी बिल्कुल 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। दोस्तों 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया फर्स्ट टाइम। तो कौन सा अधिनियम? 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम चार्टर एक्ट कहलाता है। हाँ भरत शर्मा जी कह रहे हैं कि मेरा जवाब ऊपर चला जाता है, कोई बात नहीं भरत जी, मैं देख पा रहा हूं सब लोगों के जवाब देखता हूं मैं। शिव जांगीर जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, गौरव ठाकुर सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। हाँ भरत शर्मा जी कह रहे हैं कि पहले देने का कोई फायदा ही नहीं है। अरे कैसे नहीं है भरत शर्मा जी? ऑप्शन नंबर एक, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन नंबर दो, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर तीन, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। और ऑप्शन चार, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। दिनेश प्रजापति जी सही जवाब दे रहे हैं आप, मनुमोन गलत जवाब दे रहे हैं, राहुल बोकोलिया, जितेंद्र मीना, मनोज कुमावत, संजना सैनी, लक्ष्मण फिरोदा। दोस्तों इस क्वेश्चन में लगभग 60-40 का रेशियो है, 60% लोग सही जवाब दे रहे हैं, 40% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। ऑफलाइन क्लास वाले ट्रेंड पे मत जाइए आप लोग, अंतिम चार्टर एक्ट की बात कर रहा हूं मैं। 1784 का तो हो नहीं सकता, 1833 का नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद में भी एक और चार्टर एक्ट अस्तित्व में आया, और 1858 ईस्वी का तो चार्टर एक्ट नहीं था, वो भारत शासन अधिनियम था जो महारानी विक्टोरिया के द्वारा जारी किया गया, जिसे महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो बचा कौन सा? 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। हाँ सही जवाब दे रहे हैं बिल्कुल, डी तेज गांधी जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार, सही जवाब दिया आपने, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। अंजलि दादी, दिनेश प्रजापति जी सही जवाब दे रहे हैं सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये लीजिए जिसकी बात कर रहा था मैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। हाँ भरत शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने? हाँ, कबीर त्रेडी कह रहे हैं कि हमारा जवाब तो पीछे जवाबों में चला गया। हाँ भरत शर्मा जी, बिल्कुल, मे गॉड ब्लेस यू। पहला ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा लॉर्ड कैनिंग, तीसरा रॉबर्ट क्लाइव और चौथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल। भीमाराम जी, जितेंद्र मीना जी, गौरव ठाकुर, नीतीश गांधी, अजय जी, माया दवाई। अरे नीतीश गांधी थोड़ा सा करेक्ट कीजिए, तभी कहता हूं कि कभी भी किसी क्वेश्चन को इजी मत समझिए आप लोग। जो क्वेश्चन आपको इजी लगता है, हो सकता है उसमें कोई ना कोई टेक्निकल वर्ड इस प्रकार का है कि आप उस वर्ड तक नहीं पहुंच पा रहे और वो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। अभी देख रहा हूं मैं कुछ लोगों के जवाब इस संदर्भ में। सुमन शर्मा जी, कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं इस संदर्भ में। शिषपाल चौधरी जी, सही जवाब नहीं है आपका। दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स के संदर्भ में अभी 2-3 क्वेश्चन पहले चर्चा की मैंने आप लोगों के साथ में कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। मैं यहां पर बंगाल के गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूं। बाकी बहुत बेहतरीन जवाब दिए मोस्ट ऑफ लोगों ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों, ये नाम सुनते ही एक विशिष्ट कहानी आप लोगों के दिमाग में आई होगी और वो कहानी है हिंदुस्तान के कुत्सित समाज की, महिलाओं के ऊपर किए गए विभिन्न अत्याचारों के बारे में। एक ऐसी कुप्रथा जो हिंदुस्तान के समाज में व्याप्त रही, उस कुप्रथा को समाप्त करने का कहीं ना कहीं जो क्रेडिट दिया जाता है वो 2 लोगों को दिया जाता है। एक दिया जाता है भारत के एक महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय और दूसरे ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। मुकेश गीला जी कह रहे हैं सिविल सर्वेंट के लिए ओपन कंपटीशन तो शुरू करने का प्रयास कौन से एक्ट में हुआ? शायद 1833 में ही हुआ। सही कह रहे हैं दोस्तों आप इस संदर्भ में। ओपन कंपटीशन फिर आगे जाकर अब जब अपन 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं जब अपन, तो वहां पर फिर 1854 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले समिति का गठन किया जाता है, वो उसी संदर्भ में है। दोस्तों, सती प्रथा से तो आप सब लोग अवगत हो इस संदर्भ में। तो हाँ, आशीष गोदारा जी कह रहे हैं, दिनेश प्रजापत जी कह रहे हैं सती प्रथा। हाँ, भरत शर्मा जी कह रहे हैं वो गलत हो गया सर। कोई बात नहीं है भरत जी, कोई बात नहीं है, अब तो कॉन्फिडेंस बना के रखिए अपना। बिल्कुल बेहतर जवाब दे रहे हैं सब लोग। कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर राजस्थान पुलिस एग्जाम कब होगी? अभी दोस्तों इस संदर्भ में कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, जब भी होगी तो आप लोगों के साथ जरूर साझा की जाएगी। सती प्रथा को लेकर चर्चा कर रहा था दोस्तों मैं आप लोगों के साथ कि हिंदुस्तान का इस प्रकार का समाज था कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। दोस्तों, कितना कुत्सित समाज उस वक्त का हुआ करता था। और आज की महिला शक्ति के बारे में बात करके देखते हैं अपन, इंदिरा गांधी, डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिन्होंने देश के प्रथम नागरिक जैसे महत्वपूर्ण पद को सुशोभित किया, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, साइना नेहवाल, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण महिला शक्तियां इस वक्त हैं। अपनी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद है उसको गौरवान्वित किया, इस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं अपन। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक संस्थाओं को समाप्त करके किस पद का गठन किया गया? रामनिवास यशमा जी कह रहे हैं सर आज तो लेट हो गए। कोई बात नहीं रामनिवास जी, आप वापस से देख सकते हो उस वीडियो, कोई इश्यू नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक संस्थाओं को समाप्त करके किस पद का गठन किया गया? ऑप्शन ए वाइसराय, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी भारत सचिव और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। भरत शर्मा जी कह रहे हैं सर आरएस की भर्ती कब आएगी? अभी जो ये लॉकडाउन का टाइम है इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए दोस्तों।
आरपीसी कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज कर देगी और पता लगेगा 2 महीने बाद में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है, तो राजस्थान की जो सबसे प्रतिष्ठित सेवा है आरएएससी, उसकी प्रिपरेशन 2 महीने में नहीं हो सकती दोस्तों। और आप लोगों के कमेंट्स देख पा रहा हूं मैं, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। मोस्टली बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक संस्थाओं को समाप्त करके किस पद का गठन किया गया? वायसराय, गवर्नर जनरल, भारत सचिव या राष्ट्रपति? हाँ, ये दो जो संस्थाएं थी वो एक अधिनियम के द्वारा समाप्त की गई और उसी वक्त वायसराय का पद अस्तित्व में आया, लेकिन इन संस्थाओं को समाप्त करके नहीं आया दोस्तों, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन पे जाए अपन, गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल का पद तो बहुत पहले एस्टैब्लिश हो चुका था। अगर भारत के संदर्भ में अपन बात करें तो 1833 ईस्वी में, और अगर बंगाल के संदर्भ में अपन बात करें तो 1773 ईस्वी में, तो ये ऑप्शन भी गलत है। चौथे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति के संदर्भ में, तो दोस्तों राष्ट्रपति का पद तो बहुत आगे जाकर कंडक्ट होता, बहुत आगे जाकर के स्थापित होता है 24 जनवरी 1950 को, जबकि इन दोनों संस्थाओं का समाप्त किया जाता है 1858 ईस्वी में, तो इसका सही जवाब होगा भारत सचिव। अब दोस्तों ये भारत सचिव कौन है? नरेंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं सर हिस्ट्री की कौन सी बुक पढ़े? दोस्तों एक दिन लाइव सेशन रखूंगा मैं आप लोगों के साथ, पर्टिकुलर किस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के संदर्भ में कौन सी बुक आप लोगों को पढ़नी चाहिए उस संदर्भ में सारी बातें करूंगा मैं। बाकी हिस्ट्री यहां पर पूनम मैम ले रही है, तो पूनम मैम से आप लोग सजेस्ट इस मामले में परामर्श ले सकते हैं। डी तेज गांधी जी कह रहे हैं भारत सचिव का पद का गठन किया गया सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भारत सचिव। अब दोस्तों ये भारत सचिव होता कौन था? क्या कोई भारतीय व्यक्ति या फिर कोई और दूसरा आदमी? दोस्तों ये भारत सचिव जो व्यक्ति वह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, ब्रिटिश कैबिनेट। ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था? ये यूपीपीसीएस मेंस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। भरत शर्मा जी कह रहे हैं सर आरएस वाले क्वेश्चंस कब लाओगे? अभी आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो उसी संदर्भ में बात कर रहा हूं, अभी थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा दोस्तों, आगे आने वाले एक दो क्वेश्चन में आप लोग खुद रियलाइज करोगे इसे। मोहन यादव जी कह रहे हैं कि बर्कन हेड, बर्कन हेड दोस्तों बहुत बाद में आप लोग नेहरू रिपोर्ट के आसपास पहुंच गए, जब सर जॉन साइमन और तत्कालीन जो भारत सचिव थे बर्कन हेड, उनके द्वारा जब चैलेंज किया गया था हिंदुस्तानियों को कि या तो जो नियम कानून कायदे ब्रिटिश सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं उस हिसाब से आप लोग शासित होइए, और अगर आप लोगों को लगता है कि और बेहतर कानून आप लोग बना सकते हैं तो आप अपना संविधान बना के दिखाइए, तो वो चैलेंज दिया जाता है बर्कन हेड के द्वारा। यहां पर बर्कन हेड के संदर्भ में बात नहीं है। इस क्वेश्चन पे आइए आप लोग, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन एक 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन दो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन तीन 1813 का चार्टर एक्ट, और ऑप्शन डी 1833 का चार्टर एक्ट। तो पहले चर्चा कर चुके हैं दोस्तों इस संदर्भ में, सब लोगों का सही जवाब है बिल्कुल। प्रियंका फौजदार, हर्षिता टेलर, मोनिका स्वामी, गौरव ठाकुर, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं बिल्कुल। हाँ भरत शर्मा जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसी के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया, और उस संदर्भ में आप लोगों को फिर बताया था कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? यूपीपीसीएस प्री 2012। अब कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों के बीच में, अब जवाब दीजिए आप लोग, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए 1833, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1858, और ऑप्शन डी 1861। अंजलि दादी ए जवाब दे रहे हैं, अंकित लवाना 1773। अरे पिछले क्वेश्चन को छोड़िए, अगले क्वेश्चन में आइए आप लोग, अंकित जी अगले क्वेश्चन में आइए आप लोग, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया?
फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। नरेंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं सर टॉपिक वाइज सेशन कब शुरू करोगे? दोस्तों अभी आपकी प्रिपरेशन का तो एक आकलन हो जाए, उसके बाद में अपन हर टॉपिक को बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ने वाले हैं। सारे लोग ऑप्शन सी पे जा रहे हैं, कुछ बी पे भी जा रहे हैं। कपिल दुबे जी, अब तक के जो भी जितने भी लोगों ने जवाब दिए उनमें से केवल एक सही जवाब निकल के आया है दोस्तों, केवल एक सही जवाब निकल के आया है अब तक। मनु मूड ने भी सही जवाब दिया है बिल्कुल। दोस्तों 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है उसके संदर्भ में ये प्रोविजन बनाया गया कि हां भाग ले सकते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि आगे जाकर 1861 के इस इंडिया काउंसिल एक्ट के द्वारा फिर शामिल किया गया, लेकिन बात प्रारंभ हुई 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। हाँ, बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिए इसके। आप इसी कैटेगरी के क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों जो थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, तो प्लीज जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों को, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन सारे देखने हैं और फिर रिप्लाई करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? हाँ हेमंत कुमार जी नमस्कार आपको। ऑप्शन नंबर ए भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और उपर्युक्त में से कोई नहीं। सुमन शर्मा जी ऑप्शन ए बता रहे हैं, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, वेट करता हूं मैं आपके रिस्पांस का। हां अंजलि दादी जी कोई दिक्कत नहीं है, अरे अगर 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और 100 के 100 सही जवाब दे दो तो कैसे चलेगा आप लोगों का? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कट ऑफ मार्क्स है वो 50-60% रहता है। तो नर्वस नहीं होना, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको मेंटेन रखिए आप लोग। एक क्वेश्चन के गलत होने से इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, फटाफट अगले क्वेश्चन पे जाइए आप लोग। क्वेश्चन वापस से रिपीट करता हूं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? मोस्ट ऑफ लोग सी जवाब दे रहे हैं, अजय जी डी जवाब दे रहे हैं, दिनेश प्रजापति 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। मैं यहां पर व्याख्या नहीं पूछ रहा दोस्तों, मैं केवल इसका सही जवाब पूछ रहा हूं आप लोगों से। डी सही जवाब दे रहे हैं मोस्ट ऑफ लोग हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अपन चर्चा करते हैं जब 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में, तो वहां पर आप लोगों को बताया जाता है कि 1 अक्टूबर 1937 को भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। पिछला जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था उस एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों। हाँ सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, अब तो सब होशियार हो गए, बताओ सारे के सारे इंटेलिजेंट। अगला क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? पीछे जवाब दे चुका हूं मैं इस क्वेश्चन का, पीछे जवाब दे चुका हूं, बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए दोस्तों। यूपीपीसीएस मेन से 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम था और उस एग्जाम में 2015 में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर स्थिति में है आप लोग। हाँ लक्ष्मण फिरोदा जी 1 अक्टूबर 1937, तो पीछे चर्चा कर चुके हैं इस संदर्भ में, तो 1937 ऑप्शन बी का सही जवाब होगा। महावीर चौधरी जी नमस्कार आपको। आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अभी जब तक ये लॉकडाउन का इश्यू जो शॉर्ट आउट नहीं हो जाता, टिल दैट टाइम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखने का जो निर्देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने दिया है, उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यहां यही मापदंड तय किए गए हैं कि एक फैकल्टीज को मोस्ट ऑफ 3 डेज का ही लाइव सेशन दिया जाए, जो दोस्तों आप लोगों के लिए भी बेहतर साबित होगा।
आप लोगों को हर फैकल्टी से, हर राजस्थानी टॉप मोस्ट फैकल्टी से जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं उनसे स्पेसिफिक नॉलेज, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी दोस्तों। तो इस संदर्भ में आप लोग नर्वस ना होइए। 1937 अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? बर्मा जिसे म्यांमार कहते हो आप लोग, हाँ दिनेश मकवाना जी, जय हिंद जय भारत आपको। हर्षिता टेलर जी फटाफट जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ? सागर सिंह जी कह रहे हैं नमस्कार सर, मैं आपसे अभिज्ञान बैच नंबर 9 में आरपी पुलिस में। हाँ सागर जी नमस्कार आपको, सब लोगों को नमस्कार। शिव जांगीर जी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन बी। दोस्तों फटाफट जवाब दीजिए अपना, ये भी यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। सुमन गिला बी, आशीष गोदरा सी, राहुल बोकलिया 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दिनेश प्रजापति सी। दोस्तों 1909 भी गलत, 1919 भी गलत, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी गलत, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस अधिनियम की विशेषता थी कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। महावीर चौधरी जी कह रहे हैं सर लाइव प्रतिदिन आया करो। महावीर जी कोशिश यही है, लेकिन आप लोग समझ पा रहे हैं प्रॉब्लम जो इश्यू है, अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत कम मोमेंट की इजाजत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा दी गई है। तो इस संदर्भ में स्नेहा चौधरी जी कह रहे हैं ऑप्शन ए गलत है। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और दोस्तों जाना नहीं है कहीं भी, अगली जो क्लास होने वाली है वो रीजनिंग एक्सपर्ट सर के द्वारा होने वाली है दोस्तों, तो आप लोग जुड़े रहिए। और जो लाइव सेशन से आप लोगों को डागोर चैनल के माध्यम से अवेलेबल करवाया जा रहा है उसका मैक्सिमम फायदा आप लोग उठाइए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को इस चैनल के माध्यम से फायदा मिल सके। तो दोस्तों इस अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यूपीपीसीएस प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। जितेंद्र मीना जी ऑप्शन सी बोल रहे हैं, दिनेश प्रजाप जी कह रहे हैं कि सर सातु दिन आया करो, सागर सिंह जी कह रहे हैं कि सर जी बिल्कुल शानदार पढ़ाना पुलिस के तरीके से। हाँ सागर सिंह जी, मैं पहले भी कमिटमेंट कर चुका हूं कि अपना जो ये लाइव सेशन रहने वाला है वो आईएएस से लेकर के बिल्कुल पुलिस कांस्टेबल तक एग्जाम तक रहने वाला है, आप लोग आश्वस्त रहिए इस मामले में। और मुझे पता है इस क्वेश्चन का लगभग 90% लोग गलत जवाब देंगे, इट्स अ ओपन चैलेंज फॉर यू। फटाफट सही जवाब दीजिए, अंतिम क्वेश्चन है ये आज का। ये जितने भी बी जो जवाब दे रहे हैं वो प्लीज इस लाइन को वापस से देखिए और इसमें भी केवल इसको फोकस करना है, अब आप लोगों के जवाब बदल जाएंगे। दोस्तों 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसके अंतर्गत राज्यों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा राज्यों में जो द्वैध शासन स्थापित किया गया था उसे समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया था, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा साझा की गई जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी, और कल मिलते हैं ठीक इसी समय नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।